बरखुरदार, जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता तब तक अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। अभी विश्वविद्यालय में अंतर विभागीय 3 दिवसीय युवा महोत्सव सह प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम होने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि विभिन्न विधाओं में हमारे विद्यार्थियों में जो हुनर है वो निकले और वो नेशनल लेवल तक पहुँचे। तो विभिन्न विधाओं में जैसे म्यूजिक कार्यक्रम है, तो म्यूजिक के कार्यक्रम में हमारा क्लासिकल वोकल सोलो हो रहा है, उसके बाद से लाइट वोकल सोलो हो रहा है, ग्रुप सॉन्ग वेस्टर्न हो रहा है, ग्रुप सॉन्ग इंडियन हो रहा है और वेस्टर्न सोलो हो रहा है म्यूजिक में। हमने विभिन्न तरह के सामाजिक मुद्दों को कचरे की तरह रिप्रेजेंट किया है। जैसे हमने एक मुद्दा उठाया है, ये क्या बोलते हैं, इंटरनेट को हम लोग आजकल क्या होता है, बच्चे किताब नहीं पढ़ते हैं डॉक्टर बन जाते हैं, शिक्षक क्या करते हैं नौकरी लेने के लिए पैसे घूस देते हैं। इसके वजह से अगर वो शिक्षक अगर आज के डेट में वो बंदा घूस दे के पढ़ा हुआ है तो वो बंदा पढ़ाएगा भी तो गलत ना। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो टीचर पढ़ा रहे हैं सी स्क्वायर, जो कि नहीं होता है। ऐसी तरह जो ऑपरेशन जो डॉक्टर ने किया है वो तो गलत ऑपरेशन दे के कर रहा है। तो आज नहीं तो कल तो नेटवर्क अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या होता है, एक बंदे का जान चला जा सकता है। तो ये सामाजिक मुद्दों को हमने एज ए कचरा रिप्रेजेंट किया है। हम लोगों को अपना प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, अपना कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट करने का मौका मिलता है। क्योंकि ये इंटर डिपार्टमेंटल है तो पूरी यूनिवर्सिटी में हम लोग किन 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 डिपार्टमेंट्स में कैसे कैसे प्रतिभा देखने मिलती है वो हमें मिलता है। और ऐसे ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके थ्रू डिफरेंट आइडियाज़ भी एक्सप्लोर होते हैं, जिसके भी माइंड में जो आइडियाज़ होता है वो एक्सप्लोर होता है। हर कोई अपने तरीके से प्रेजेंट करता है कि हाँ हमारे माइंड